एक लड़का जो कॉमिक फैन है वो अचानक डिसाइड करता है कि उसे सुपर हीरो बनना है। जब मैं स्कूल में था तब भी मेरे दिमाग में ऐसे उठपटांग ख्याल आते थे, बट मैंने ऐसा कभी करने की कोशिश नहीं की। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ किक ऐस मूवी के बारे में, जो 2010 के अंदर आई थी। इसका दूसरा पार्ट भी आया 2013 के अंदर, बट अभी मैंने इसका फर्स्ट पार्ट ही देखा, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जब इसका सेकंड पार्ट देख लेंगे तब तो वहां उसके बारे में बात कर लेंगे। तब इस मूवी की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। एक डेव नाम का एक लड़का होता है जो स्कूल में पढ़ता है, उसे कोई भी नोटिस नहीं करता। उसके स्कूल में उसके दो ही फ्रेंड होते हैं। अब देखो यार, हर लड़के का अपने स्कूल टाइम में किसी ना किसी के ऊपर तो क्रश होता ही। हाँ हाँ मेरा भी था, बट मैं उसका नाम नहीं बताने वाला। खैर खैर तुम मेरी बात छोड़ो यार, कहानी के ऊपर फोकस करते हैं। डेव जिस लड़की को पसंद करता है वो लड़की इसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती। यार ऐसा ही होता है लगभग हर केस के अंदर। और डेव जो है वो कॉमिक्स का बहुत बड़ा फैन है, तो भी वो डिसाइड करता है कि इस समाज को एक सुपर हीरो की जरूरत है। वैसे मैं बता दूं कि इसके पास कोई भी पावर नहीं है, एकदम मंद बुद्धि बालक है। और जब ये डिसाइड कर लेता है कि इसे सुपर हीरो बनना है, तो ये ऑनलाइन जाकर वहां से एक कॉस्ट्यूम मंगा लेता है। अजीबो गरीब कॉस्ट्यूम होती है, और वो कॉस्ट्यूम पहन के शहर के अंदर निकल पड़ता है लोगों को क्राइम से बचाने के लिए। सच कहूं यार, ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ था जब मैंने एक्समैन की फर्स्ट मूवी देखी थी ना, तो उसमें जो आई थिंक साइक्लोज उसका नाम था, जो जिसके आंखों से लेजर निकलती थी, जो उसके जो रेड कलर कि जो उसने चश्मा पहन रखी थी, मैं उसको बहुत बड़ा फैन हो गया था। मेरे को मतलब वो चश्मा चाहिए थी। ऐसे इसके साथ कुछ है यार, वो एक्साइटमेंट यहां मैंने फील की थी। बट यार कसम से ये इतना बड़ा फट्टू होता है, ये कुछ लोगों के जाके भिड़ जाता है जहां पर इससे ज्यादा ताकतवर लोग हैं। अभी यार ये ताकतवर तो बिल्कुल भी नहीं था। यहां पर इसकी जान जो है वो मतलब खत्म होने की कगार पे होते हैं। वहां पर आके कुछ दो लोग आते हैं, वो इसकी जान बचाते हैं। एक 11 साल की एक छोटी लड़की होती है जिसका नाम मैंडी होता है, उसके पिता जिसे इस मूवी में बिग डैडी कहा गया, पता नहीं बिग डैडी ने ये बैटमैन की कॉस्ट्यूम क्यों पहन रखी थी। अब देखो यार इन दोनों की अपनी ही कहानी है। जो बिग डैडी है इसकी जो वाइफ है उसका कत्ल कर दिया था फ्रैंक डीएमई को, शायद मैंने सही प्रोनाउंसिएशन किया होगा इस नाम को। तो ये एक बड़ा गैंगस्टर होता है, ऑब्वियसली यार छोटा गैंगस्टर तो कत्ल करेगा नहीं, क्योंकि मूवी इंटरेस्टिंग नहीं बनेगी। तो ये बाप बेटी दोनों मिलकर इस गैंगस्टर को खत्म करना चाहते हैं, और बिग डैडी ने अपनी छोटी लड़की जो 11 साल की, मात्र 11 साल की एक छोटी लड़की जिसको उसने इतनी जबरदस्त ट्रेन किया हुआ, जॉन विक भी उसके सामने फेल हो जाए। अब बिग डैडी, मैंडी और ये डेव जो अपना नाम रखता है किक एस, वो कैसे इन फ्रैंक को खत्म करते हैं या फिर इसकी गैंग को कैसे खत्म करते हैं, इसके लिए तो देखो आप लोगों को मूवी देखनी पड़ेगी। अब मैं बात कर लेता हूं कि मूवी में क्या अच्छा है। देखो मूवी कॉमेडी से भरपूर है, और इसके अंदर जो है वो वॉयलेंस बहुत ज्यादा है, मतलब काट मार बहुत ज्यादा दिखाया गया, बट जब आप उसे देखते हो आपको हंसी ही आएगी। और एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, देखो यार ये कॉमेडी मूवी है तो इसके अंदर लॉजिक मत ढूंढना। कहीं आप सोचोगे यार इसके अंदर ये लॉजिक नहीं, ये लॉजिक होना चाहिए था, ये कैसे इलॉजिकल चीजें दिखा रही है। देखो यार कॉमेडी मूवी में लॉजिक नहीं काम करता। और सुपर हीरो बनने के बाद डेव की लाइफ में काफी ज्यादा परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला परिवर्तन तो यही होता है कि जिसके ऊपर इसका क्रश होता है वही इसको मिल जाती है, यानी वो लड़की इससे प्यार करने लग जाती है। कसम से यार ये बात मुझे पहले पता होती ना कि भी ऐसी उठपटांग हरकतें करने से आपको आपकी क्रश मिल जाएगी, तो मैं यार अपने ही स्कूल टाइम में शक्तिमान बनकर घूम रहा होता। ओवरऑल इस मूवी की बात करूं तो यार मूवी काफी ज्यादा अच्छी है, कहानी भी अच्छी लगी, कॉमेडी से भरपूर है। हाँ इसके अंदर ठरकी लोंडे भी हैं, और इन जैसी मूवीज में गाली गलौज तो यार आम सी बात हो गई है। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर किसी ने मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो जाकर देखो यार, वेट किस बात का करो, एक अच्छी मूवी है, कॉमेडी से भरपूर है, आप लोग डेफिनेटली इसे एंजॉय करने वाले हो। खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।